ये तो फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पर बॉडी का स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, मन का स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भ्रामरी उद्गीत। सांसों पर ऐसे ध्यान करने मात्र से मन शांत हो जाता है, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा स्ट्रेस के बारे में बताया। ओबेसिटी के बारे में मैंने कल बताया था, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। जो मोटापा कम करना चाहते हैं वो ज़्यादा ना खाएं एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, चार बार, 8, 12, 4, 8, सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 से 1 बजे, शाम को फिर 4 से 5 बजे के बीच में, शाम को फिर 8 से 9 बजे के बीच में, 8, 12, 4, 8, 4-4 घंटे के अंतर से थोड़ा कम खाएं। क्योंकि 40 साल के बाद बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत वीक हो जाता है, और 40 साल से कम उम्र में भी यदि फ्रोजन फूड खाया जाए, जहरीला खाना खाया जाए, जो है प्रिजर्व फूड खाया जाए, तो भी मोटे हो जाते हैं। आजकल जैसे कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्ज़ा खा के सब बच्चे भी मोटे हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मोटापे की समस्या आफ्टर 40 आती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके खाने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। आप ये प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। गर्म पानी पिए, उससे मोटापा एकदम कम हो जाता है, गर्म पानी पीने मात्र से। आप पूरे चीन को देखिए, पूरे जापान को देखिए, वहाँ आपको 99% लोग मोटे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग बीच बीच में हर्बल टी के नाम पर जो भी है, कुछ ऐसे, कोई चाय की, कोई तुलसी की, कोई और डिफरेंट तरह के, जैस्मिन की, डिफरेंट प्रकार के हर्बल टी पीते रहते हैं। दिन भर गर्म पानी उनको जाता रहता है, और ज़्यादातर लोग पतले होते हैं। गर्म पानी पीने से 1 महीने में 3 से 5 किलो वेट कम हो जाता है, ये आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। और थोड़ा खाने का मैंने बताया, बाकी थोड़ा सा कपालभाति कर ले तो और अच्छा है। और किसी को ज़्यादा इफेक्टिवली मोटापा कम करना हो तो अश्वगंधा के 3-3 पत्ते सुबह शाम खा लें, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, बॉडी में स्ट्रेंथ भी रहता है। अश्वगंधा का पाउडर खाने से अंडरवेट्स का वजन बढ़ता है, अश्वगंधा के पत्ते खाने से जो ओवरवेट है उनका वजन घटता है। ये खास बात, अश्वगंधा के पत्ते खाएं, 3-3 बहुत मिलती है, यहाँ कोई कमी नहीं है उसकी। अगली बात, जिनको वजन बहुत ही जल्दी और कम करना हो तो लो कार्बोहाइड्रेट लो फैट कंटेंट होना चाहिए भोजन में, और उसको सामान्य रूप से वो खाना लें। अंतिम बात, गोमूत्र बहुत अच्छा होता है, गोमूत्र का अर्क पीने से वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है और कॉन्स्टिपेशन आदि की प्रॉब्लम नहीं रहती। ये बहुत अच्छी औषधि है। हमने गोमूत्र के ऊपर आपकी जानकारी के लिए रिसर्च किया, पहली बार हमने गोमूत्र से सोना अलग कर दिया। गोमूत्र में स्वर्ण होता है, सोना, गाय के दूध में घी में सोना होता है, इसी के कारण से पीलापन होता है उसके अंदर। हम छोटे बच्चे थे तब ये बात सुना करते थे, हमको मजाक लगती थी, लेकिन हमने गोमूत्र से सोना अलग कर दिया है और उसका वास्तव में इफेक्ट आता है। एक तो सोना, बाद दूसरा उसमें से एक हमने डिफरेंट उनके इफेक्टिव कंपोनेंट्स को अलग किया, तो उसमें शुगर कम करने वाले भी कंपोनेंट है। आपके लिए भी हबीब जी, आपके दोनों चीज़ें ठीक होंगी, थोड़ा हल्के भी हो जाओगे मेरी तरह से, और शुगर भी कंट्रोल होती है। वैसे ज़्यादा नहीं है इनका, 5-7 किलो वजन ज़्यादा है, बाकी थोड़ा वजन तो रहना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो इससे मोटापा बहुत जल्दी कम होता है, शुगर बहुत कंट्रोल होती है, और ये एक तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता। और गिलोय बहुत होता है इधर चारों तरफ, गिलोय का काढ़ा पियो, सारे पत्रकार एकदम स्लिम स्मार्ट मिलेंगे अगली बार मुझे। आप रोज पीना, उससे इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, प्लेटलेट उससे बढ़ते हैं, डेंगू, चिकुनगुनिया, गिलोय, गड़ो, गुर्च, तिपा तिपगा, गिलोय बोलते हैं, अमृता बोलते हैं, एक औषधि है, पान जैसे उसमें पत्ते होते हैं, उसका काढ़ा बना के पियो। इसके उत्तर मैं थोड़ा सा तो दे दिया था। हमने कहा कि हमारी करीब 1 लाख योग की कक्षाएं देश भर में चलती हैं, तो योग की कक्षा तो सुबह सुबह चला पाएंगे, हमने योग के स्टूडियो तो बनाए नहीं अभी, तो योग के लिए थोड़ा सुबह उठना पड़ेगा। वैसे आप पत्रकारों के लिए मैं विशेष व्यवस्था प्रतिदिन यहाँ कर सकता हूँ, अभी भी चल रही है सर, है ना, यहाँ भी चल रही है, हमारे भी और भी कार्यकर्ता हैं, आप जहाँ जहाँ बोलेंगे और व्यवस्था भी करवा देंगे, वो निःशुल्क करते हैं हमारे सब भाई। तो करीब 1 लाख कक्षाएं अभी चला रहे हैं, देश बहुत बड़ा है, 6 लाख तो गाँव ही हमारे और गली मोहल्ले हैं, तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे जरूर, आपने जो कहा है। जहाँ तक दूसरा प्रश्न है कि हमने दंतकांति का जो विकल्प दिया, ये सच है कि आज वो कोलगेट से, पेप्सोडेंट से, क्लोजअप से भी ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। एडवर्टाइजमेंट तो 1% होगा उनका, तो 100% है। तो ऐसे ही और भी बहुत से प्रोडक्ट्स होंगे जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, साबुन है, शैम्पू है, मैंने कहा पावर वीटा है, अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, तो हम
वो विकल्प और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आए। 21 तारीख को ऐसे हमारे हजारों कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में लगे हैं सभी कार्यक्रमों में उनको सफल बनाने में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वीर साहब और तमाम जो यहाँ के मौजूद लोग हैं वो एक बड़ा कार्यक्रम करनाल में कर रहे हैं, उसमें पतंजलि के कार्यकर्ता खूब जोर से लगे हैं वहाँ पर भी, और सरकार के भी पूरे ऑफिसर्स भी चाहते हैं कि भाई वो भी भाग लें, उनको भी पहले एडवांस ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी वो वहाँ पर होंगे, आदरणीय श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी वहाँ पर होंगे, डॉक्टर जयदीप जी वहाँ योग सिखाएंगे। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आयुष मंत्रालय ने निमंत्रण दिया है दिल्ली के राजपथ पर रहने के लिए, तो मैं वहाँ पर रहूँगा। साधु को पक्षपात नहीं करना चाहिए, मुझे सभी बहुत अच्छे लगे, सच में अपने ही जैसे लगते हैं मुझे, और किसी किसी की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और जिनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है और बढ़ेगी योग से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, चाहे वो अधिकारी हों या हमारे MLA MPs मिनिस्टर्स। मुझे आदरणीय जम्मू जी ने कहा मैं शॉर्ट में उत्तर दूँ, इसलिए मैं छोटा उत्तर देना शुरू कर दिया। आप मेरे प्रति इतनी सहानुभूति रखते हैं उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और सच्ची बात है, देखो इन्होंने सहानुभूति के साथ इन बातों को कहा, ये सच है कि मैंने काले धन के ऊपर बात करना कम कर दिया है और इसके लिए मुझे क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी करीब मेरे फेसबुक पर 50 लाख, ट्विटर पर करीब 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उसमें लाखों लोग मुझे रोज़ गालियों के रूप में उपहार देते हैं कि बाबा काला धन कब लाओगे। अब कांग्रेस ही भी मुझसे प्रश्न करते हैं बाबा जी बताएंगे मोदी जी काला धन कब लाएंगे, वो भी पूछते हैं। तो ये सच है कि काले धन के ऊपर मोदी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, जेटली जी ने प्रथम दृष्टया प्रयास किए हैं, लेकिन अभी बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। मैं प्रयास तब सार्थक मानूंगा और इस देश के लोगों को तब भरोसा होगा कि वो पुरुषार्थ चरितार्थ हो जाए, माने काला धन आना शुरू हो जाए। अभी तक जो प्रयास हुए हैं उससे उनकी नियत के ऊपर खोट नहीं नजर आता, लेकिन अभी काला धन जो है आना शेष है, इसलिए आपका पूछना भी वाजिब है। मैं इतनी बात इसमें जरूर जोड़ूंगा कि अब मुझसे लोग बयान की अपेक्षा कम करते हैं, काम की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। मैं भी बयान दे दूंगा, बाबा बयान देने से काला धन तो नहीं आया। तो मैं अपने इस पूरे प्रयास को तब सार्थक मानूंगा जब काला धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बयान देने से बात नहीं बनने वाली, अब तो आने से बात बनने वाली है। जहाँ तक अच्छे दिनों की बात कही मैंने, ये सच है कि मोदी जी करीब 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं हर दिन, और एक बात और भी सच है, वो तो मोदी सरकार हो यहाँ खट्टर सरकार हो, आपको शायद 1 साल का लगभग कालखंड बीत चुका है, इसमें कोई बड़ा घोटाला टीवी के स्क्रीन पर या अखबार के पहले पेज पर आपको नहीं मिला है, ये एक तो उपलब्धि है। पहले तो लगभग लगभग साप्ताहिक रूप से, पाक्षिक रूप से, कई बार तो दैनिक रूप से बड़ा घोटाला कोई ना कोई सामने आता था। एक वर्ष एक शुरुआत, अनेक जो उन्होंने स्लोगन दिया, सच में कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं बड़े तौर पर, लेकिन और अभी बड़े काम होने शेष हैं। मैंने जो अच्छे दिन की बात कही, वो आदमी का पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सुबह सोलंकी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई देखो, समृद्धि तो लंका में भी बहुत थी, सोने के महल थे, लेकिन उनको धू धू करके जलाना पड़ा। हमें दोनों तरह की समृद्धि चाहिए, तो वैचारिक, आध्यात्मिक, वैयक्तिक समृद्धि योग से मिलेगी, अपने अच्छे दिन योग से आएंगे, और बिजनेस के और दूसरे एग्रीकल्चर के, एजुकेशन के, नौकरियों के अच्छे दिन सरकार की पॉलिसियों से आएंगे, तो सब दिशाओं में काम तो हो रहा है। नहीं, डिटेल नहीं देंगे, जब आगे जब ये काम एक स्तर तक पहुंच जाएगा तो आपको शिलान्यास के अवसर पर आमंत्रित करेंगे। नहीं देखिए, हमारे पतंजलि योग पीठ में योग आयुर्वेद स्वदेशी का काम होगा, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम सरकार से जमीन ला लें। कई प्रश्न पूछ लिया आपने, एक प्रश्न पूछने के लिए बोला था तो मैंने आप सभी से कहा, विनम्रता से कह रहा हूँ कि कल भी मुझसे कुछ पत्रकार भाई ने पूछा, बाबा जी पतंजलि योगपीठ कहाँ बनेगी, उसका एरिया कितना होगा, यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, उसका एरिया कितना होगा, कितने उसमें क्या क्या फैकल्टीज होंगी। तो मैंने इतना बोला है कि वो वास्तव में यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि वो वर्ल्ड लेवल की होनी चाहिए, और मैंने इसलिए कहा कि वो नालंदा और तक्षशिला के स्तर की होगी।
जिसमें वहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते थे, तो यहाँ 10,000 से ज़्यादा ही पढ़ने होंगे, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000। और आने वाले 50 वर्षों का हमने आगे का भविष्य का ही टारगेट दिया कि उसमें पूरे देश में और दुनिया में तो हम सेवा करेंगे, उसका एक बड़ा केंद्र हरियाणा होगा। तो ये कार्य जब एक स्टेज में आ जाएगा तो हम आपको पुनः कह रहे हैं कि हम आपको जमीन भी दिखाएंगे, वहाँ आपको खुद उसके शिलान्यास पर आमंत्रित भी करेंगे, आपको भी, खट्टर साहब को भी, मोदी साहब को भी, एक बड़ा काम होगा। और हमारी कोशिश होगी कि वो काम इसी साल शुरू हो जाए। देखिए, नशा मुक्त हरियाणा दो पक्ष हैं, एक इसका कानूनन पक्ष है, एक नैतिक पक्ष है। तो मैं नैतिक पक्ष पर काम कर रहा हूँ, राजनैतिक पक्ष के ऊपर तो जवाब देने के लिए हमारे विश्वास हैं। ना, ऐसा तो कभी नहीं, मैं तो स्वयं मुंगेर गया हूँ। शायद नीतीश जी को थोड़ा अपना इंटेलिजेंस अच्छा करना चाहिए। मैं स्वयं मुंगेर गया हूँ, स्वामी सत्यानंद जी का जो बहुत अच्छा संस्थान है और वास्तव में ऋषि परंपरा से चल रहा है, और इस समय जो उनके शिष्य हैं उनके साथ भी मेरा तो बहुत प्रेम है। तो मैंने कभी भी पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज जी की परंपरा से हैं वो, पूज्य स्वामी शिवानंद जी से लेकर के पूज्य स्वामी सत्यानंद जी से लेकर के और उनकी पूरी शिष्य परंपरा का मैंने हमेशा सम्मान किया। मैं ये मानता हूँ कि मुझे भगवान ने सौभाग्य दिया कि योग को घर घर तक पहुँचाने के लिए मुझे निमित्त बनाया। लेकिन जो भी महापुरुष, चाहे वो स्वामी सत्यानंद जी के शिष्यगण हैं स्वामी शिवानंद जी के शिष्य परंपरा में, चाहे श्री श्री रविशंकर जी हैं, चाहे जग्गी वासुदेव जी हैं साउथ में, चाहे इधर उत्तर भारत में शांतिकुंज है, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हैं, आचार्य श्याम शर्मा जी, उन्होंने भी योग और यज्ञ दोनों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। चाहे महर्षि दयानंद के शिष्य हैं पूरे देश भर में, वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि योग का एक आध्यात्मिक पक्ष ध्यान आदि को लेकर के ब्रह्मा कुमारीज के लोग भी काम कर रहे हैं। तो जितनी भी संस्थाएं देश में काम कर रही हैं, मेरा किसी से भी विरोध नहीं है और कभी भी विरोध नहीं था, बल्कि इन सभी संस्थाओं में मैंने स्वयं विजिट किए सभी, श्रद्धे जग्गी वासुदेव जी से लेकर के श्री श्री रविशंकर जी से लेकर के ब्रह्मा कुमारी से लेकर के आर्य समाज, सनातन धर्म, जैन धर्म, मैंने परीक्षा ध्यान आदि का प्रयोग आचार्य महाप्रज्ञ आदि और दूसरे श्वेतांबर दिगंबर, बौद्ध धर्म, मैंने तो सबको समन्वय करके साथ में लिया है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं तो कहता हूँ अगला काम ये भी होगा 21 जून के बाद, क्या, एक तो सारे योग संस्थानों को इकट्ठा एक मंच पर लाना, दूसरा योग को सिस्टम में धीरे धीरे समाहित करना, और तीसरा योग के ऊपर बड़े तौर पर रिसर्च करना। हम आदरणीय मोदी जी से भी इस बारे में आगे बात करेंगे कि योग के ऊपर और ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च का काम हो, जिससे कि जो लोग बेवजह योग में कंट्रोवर्सी उठाते हैं उनको भी जवाब मिले। ऐसे मेरी बात सुनो, हम कुछ भी करें तो बोले बाबा जी ने राजनीति कर दी। हमने तो खुद उनको ऑफर दिया बहुत कुछ करने के लिए, हमने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी बोल रहा हूँ ना मैं, हमारे लिए मदद, अच्छा बताओ उससे मुझे क्या फ़ायदा। हमने उनको सच में, उनको सब तरह से हमने कहा, लेकिन कुछ लोग बहकाने वाले भी तो बहुत हैं ना, तो अब सबका तो इलाज नहीं कर सकते ना। इस बारे में हमारे भाई अजब सिंह जी ने कई बार उनके साथ में संपर्क किया, सहयोग करने के लिए कई तरह से उनको बात की। अब हमें हद होती है, अजब सिंह जी यही होंगे शायद, अभी आपसे मिला देता। देखिए, योग और आयुर्वेद से जुड़े हुए कई पेटेंट के क्वेश्चंस, तो हमने पब्लिक डोमेन में तो योग को पहले से डाल दिया है, इसलिए योग की जो मुख्य परंपराएं हैं उसका कोई पेटेंट नहीं करा सकता। ऐसे कोई कराए भी का तो वो गलत होगा। ऐसे आयुर्वेद में कुछ पेटेंट कराने की जरूर जरूरत है, उस दिशा में हम जरूर काम करें। एक तो पिछली बार मैंने कुछ कहा था कि भाई पंजाब में भी थोड़ा नशा बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोवर्शियल लोगों ने कर दिया था। हरियाणा के साथ साथ पंजाब भी, हमने कहा ये तो हमारा, ऐसे तो पूरा भारत हमारा है लेकिन पंजाब तो हमारा मूल वतन ही एक ही है, सबका एक ही प्रदेश है, तो राजनीतिक दृष्टि से सीमाओं का विभाजन होता रहता है। तो जितना हमें हरियाणा से प्यार मोहब्बत है, उतना ही पंजाब से भी। इस दिशा में भी हम जैसे हरियाणा में प्रयास कर रहे हैं, तो आदरणीय बादल साहब भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उस दिशा में सरकारी स्तर पर और संगठन के स्तर पर जो हम कर सकते हैं, इस दिशा में और ज़्यादा सजगता से विचार करेंगे। क्योंकि मैं विदेशों में भी जाता हूँ तो मुझसे प्रश्न पूछते हैं, खास करके पंजाब के संदर्भ में, कि स्वामी जी पंजाब के युवाओं को बचाने के लिए आप कुछ बड़ी मुहिम चलाइए, तो इस बारे में भी हम कुछ बड़ा प्लानिंग जरूर करेंगे। अच्छा, योग को आगे ना बढ़ाते तो लोग यूँ कहते, देखो बाबा जी के योग को सरकार ने हाशिए पर धकेल दिया, अब बीजेपी और आदरणीय मोदी जी योग को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बोले
इसका जो है वो क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं होनी चाहिए। योग सब तक पहुँचे, बस इस बारे में सोचना चाहिए। और भाई देखो, लोगों के जो दिलों में प्यार मोहब्बत है वो तो है ही ना, बीजेपी वालों के भी दिल में है, आदरणीय मोदी जी के दिल में भी है, देश के लोगों के दिल में भी है। तो मैं नहीं मानता कि बीजेपी ने योग की को क्रेडिट लेने के लिए उसमें कोई काम किया है, और योग का पूरा क्रेडिट आदरणीय मोदी जी और बीजेपी वाले जितना हमको देना चाहिए पूरा दे रहे हैं। देखो भाई, आप लोग बताओ भाई, मैंने ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे दिए कि नहीं दिए? जो मेरे संदर्भ में थे उनका सीधा सीधा दिया, जो योग के संदर्भ में थे उनका सीधा सीधा दिया। राजनीति तो होती टेढ़ी है, इसलिए राजनीति के उत्तर राजनीति की तरह ही देने चाहिए। मैंने देखा है, मैं यदि थोड़ा सा भी बोलूंगा तो कल को जो है बहुत उल्टा पुल्टा हो जाएगा। फिर आप ये कहोगे कि बाबा ने ये क्या कह दिया, आप लोग चलाते हो फिर मेरे बारे में, अरे बाबा ये क्या कह दिया, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए मैंने, हाँ इतना मैं जो आदरणीय सरदार जी ने बोला ये मानता हूं कि राजनीति बहुत खतरनाक गेम है। इसलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण को भी मथुरा वृंदावन छोड़ के अपनी राजधानी द्वारिका में बनानी पड़ी, और उसके बावजूद भी राजधर्म को निभाने के लिए उन्होंने किस तरह से जो है बहुत विवेकशीलता के साथ निर्णय लेने पड़े, छोटे बड़े आप सब जानते हैं।